जय बोलो भारत माता की, जय बोलो भारत माता की। ఇక్కడ మీ కష్టాలు మీ సమస్యలు మీ బాధలు పార్దివాడా मैं जब पार्दीवाड़ा के लोगों के पास गई थी, मैं चंगीचरला, बस एक ही मुद्दा था मेरे पास वहां की। मैं भी औरत थी, जिस औरत को भी मार लगा वो भी औरत थी। और खास कर जब मैं वहां गई थी तो मेरे सामने एक और मुद्दा था कि कोई भी इंसान भगवान के नजर में बड़ा या छोटा नहीं होता है। इंसान इंसान ही होता है, सबको न्याय मिलना उनका हक बनता है। और खास कर जिस देश का नाम भारत माता है, उस माँ के लिए सभी बच्चे एक ही होते हैं। और अगर किसी में किसी और को मदद करने का बल है तो उसको दूसरों का मदद करना चाहिए। वही है सबका साथ और सबका विकास। जब प्रधानमंत्री जी ने हम पर भरोसा कर हमको हैदराबाद पार्लियामेंट का उम्मीदवार ठहराए थे, ये समझकर मैं ही ठहराए कि हम सिर्फ हैदराबाद पार्लियामेंट के बारे में आवाज उठाएंगे, लेकिन हम हर उस अन्याय के प्रति आवाज उठाएंगे, चाहे वो औरत यहाँ का हो या चंगीचरला का भी हो। यहाँ के कई घर को अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ये भी बात मैं जानती हूँ। और ये भी जानती हूँ कि यहाँ के लोग रेंट पे कर रहना पड़ रहा है। चाहे पीआरएस होने दीजिए जो निकल चुकी है, चाहे कांग्रेस रहने दीजिए, अब की बार वो हमारे सामना करना उनके लिए आसान नहीं है। और हम आपका हक दिलाकर रहेंगे, हम आपको अपना छत दिलाकर रहेंगे, और जिनका अलॉटमेंट हुआ है उनको उनका घर दिलाकर रहेंगे। आप ये मत समझिए कि हमारा उम्मीदवार जो हम ठहरे हुए हैं वो दिल्ली के लिए है, लेकिन हम आपके लिए यहाँ के सरकार से भी लड़ेंगे। ये लड़ने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट के लोगों का हक है। उसके लिए हम कितना भी दूर जाएंगे और आपका हक आपको दिला कर ही रहेंगे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात, हमारा वादा आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं और राम भी सुन रहा है। इसीलिए आप सब निकल पड़िए, अपना वोट कवल को डालिए, हमारे हाथ वो हक दीजिए, वो शक्ति दीजिए, वो बाण दीजिए जिसे हम उठाएंगे और आपका हक दिलाने के लिए आखिरी दम तक लड़कर हक दिलाएंगे आपको। हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चे भी आत्म सम्मान से पढ़े और एक अच्छे बड़े इंजीनियर डॉक्टर लॉयर्स बने और देश का शान भी बढ़े और देश की प्रगति में हाथ भी बटाए और आगे भी बढ़े। यहाँ पे जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिन जिन को प्रधानमंत्री जी का योजनाएं नहीं मिले हैं, हम वादा करते हैं उन सारे व्यापार, छोटे मोटे व्यापारों को और स्ट्रीट वेंडर्स को हम मदद करेंगे और आपको अपना हक और लोन और योजना भी दिलाएंगे हम आपको। हम तब तक रेस्ट नहीं लेंगे, आराम नहीं लेंगे, तब तक आपका हक आपको नहीं मिल रहा है। हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि दिल्ली से आपको जो हक मिलना है आपको दिलाएंगे। और मुझे बताने दीजिए कि पिछले 3 सालों से यहाँ के कॉरपोरेटर
और एमएलए साहब दोनों लड़ते आए हैं आपके हक के लिए, लेकिन अब की बार हम भी जुड़ जा रहे हैं उनके साथ। त्रिमूर्ति बनकर हम, हमारे एमएलए जी और हमारे कॉर्पोरेट साहिबा, हम तीन मिलकर आपका हक अब की बार दिलाकर आएंगे, आपके घर तक लेके आएंगे आपका हक। जय बोलो भारत माता की, जय बोलो भारत माता की।